नीलकंठ पक्षी की इन 8 ज्ञान की बातों को जो कोई भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े दिल जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वो बड़ी ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वह अपने पति से हर समय कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे प्यारे, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है, आज मुझे बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही है। हे पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन कुछ हल्का हो जाए। दर्शकों, जब नीलकंठ अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिये, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहती है कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सुनकर मेरे मन को कुछ शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिये, आज तुम्हें मैं एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई के लिए अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कहानी में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब हो जाता है, आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज की इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़ी ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की 8 बातें पता चलने वाली हैं। इन बातों को सुनकर कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी को बड़े आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, इसलिए प्रिय आज की इस कहानी के लिए तुम बड़े ध्यान लगाकर सुनना। नीलकंठ की पत्नी कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी के लिए कहना आरंभ करो, मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों पर भी जीवन में जरूर अमल करूंगी। दर्शकों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है, हे प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री होती है। किसान अपने पुत्र का नाम तो रोहन रख देता है और पुत्री का नाम कमला रखता है। इधर धीरे धीरे रोहन और कमला बड़े होने लगते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान के लिए अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वो अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूँगा। दर्शक बंधुओं, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको अमीर बना दे और कब किसको गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है
और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर के आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है, लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है, तो एक दिन वह किसान अपने बेटे रोहन को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे रोहन से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, तब उसका कोई समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार छोड़कर जाना ही है। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन एकदम चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था, उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर वो कहता है, हे पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद रोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। रोहन का घर खेत खलियान पिता की बीमारी में पिता के इलाज में पहले ही बिक चुके थे। जो कुछ भी जमा पूंजी बच जाती है वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से रोहन एकदम बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। दर्शकों, जब रोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहन की बहन कमला, जिसका विवाह धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मन में सोचने लगती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है, उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वह मेरी ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पियर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस कारण से कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो कमला अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई रोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है, इसलिए रोहन भी अपनी बहन की ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से कमला तो बड़े ऐसो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजारती है और इधर रोहन मेहनत मजदूरी करके अपने पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से दिनों को काटने लगता है। इधर नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए आगे की कहानी सुनाते हुए कहने लगता है, हे प्रिय, जब कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन रोहन की बहन कमला के लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन कमला अपने भाई के लिए किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती। जब इस बात का पता रोहन को चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रोहन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी के लिए बहन के घर चलना है। जब रोहन की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह भी इस बात को सुनकर बड़ी खुश हो जाती है और सोचने लगती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल आऊंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह बड़ी खुश होकर अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, निमंत्रण तो नहीं आया है, पर
मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। रोहन अपनी पत्नी को समझाता है कि हे प्रिय, कमला के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो, बच्चों को तैयार करके मेरे साथ तुम बहन के घर के लिए चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला कमला की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को बात बात पर ताना मारेगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कह कर के रोहन घर के अंदर से बाहर चला जाता है। इधर नीलकंठ आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, रोहन जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था, उसके पास भात के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन की ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते रोहन को सुबह से शाम हो जाती है, तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है, तभी कमला की जेठानी की नज़र रोहन पर पड़ जाती है और वो रोहन को पहचान लेती है। रोहन को देखने के बाद कमला की जेठानी जाकर कमला को बताती है कि हे कमला, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब कमला इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। तो उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनक के कमला गुस्से से भर जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर रोहन जब अपनी बहन कमला को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देख कर के रोहन की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद कमला अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और कमरे में ले जाकर के पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब रोहन कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुंह से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के कमला कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीका से बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था, तुम इस तरीका से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, ये मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते, कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता, आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। कमला के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर वो मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। तब रोहन अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी,
तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुँचा तो मेरी बहन कि देवरानी जेठानी ताने मारेगी। रोहन की बातों को सुनकर कमला का गुस्सा जब थोड़ा सा शांत होता है, तब वो रोहन से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना, और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर मेरी दो कौड़ी की हो जाएगी, लोग कहेंगे कमला का भाई तो भिखारी है। रही बात भोजन की, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी, तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर के लिए चले जाना। रोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है, मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ तुम उन कपड़ों को रख लो, उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। तब कमला अपने भाई से कपड़ों को लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बहन को वापस आने का इंतजार करने लगता है। दर्शकों, इतनी कहानी सुनाकर नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है, हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब नीलकंठ आगे सुनाता है, हे प्रिय, इधर तो रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन भोजन लेकर वापस आती होगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के काम धंधे में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहता कि मेरा भाई कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। दर्शकों, इधर जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से रोहन छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहन अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुनता है। इस तरह से रोहन को उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर रोहन को अपने बीवी बच्चों की याद आती है। रोहन सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा, यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला क्या होगा, मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा। रोहन यह सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब रोहन के कानों में कमला की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है। रोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लगता है। जब कमला की जेठानी के कानों में उस दरवाजे की आवाज जाती है तो वो दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर रोहन को देखकर चौंक जाती है और रोहन से पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया था। रोहन इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। जब कमला की जेठानी दोबारा पूछती है तो रोहन इस बात को छुपा लेता है। वो झूठ मूठ का कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद रोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और वह अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा रोहन अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। उसे ठीक से रास्ता नहीं चली जा रही थी, उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगता है। जैसे ही रोहन का सिर चकराता और वह उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और वह बूढ़ी माँ रोहन के गिरने से पहले ही रोहन को संभाल लेती है। दर्शकों, जब कुछ घंटे बाद रोहन को दोबारा होश आता है तो रोहन स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है।
बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात रोहन खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी माँ से कहता है, हे माँ तुम कौन हो। दर्शकों इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम कर लेता है और विश्राम करने के बाद नीलकंठ अपनी पत्नी को इससे आगे की कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ आगे कहता है, हे प्रिय जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा रोहन लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर रोहन की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब रोहन चक्कर खा कर के गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल देवी माँ प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती है और रोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब रोहन को होश आता है तो वह देवी माता को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उसी समय पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम भला कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ जा रहे हो। तब रोहन बताता है, हे माँ मेरे भांजे की शादी थी इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूं। तो बूढ़ी माँ रोहन से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। तब रोहन कहता है, पूछो माँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो जैसा कि तुमने बताया कि वहां पर शादी थी तो फिर तुम खाली हाथ कैसे जा रहे हो। क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए कुछ नहीं भेजा। बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोहन उस बूढ़ी माँ को अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से रोहन के मुँह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो जो हुआ उसे भूल जाओ उसे जाने दो। यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चल कर के फल खाकर अपना पेट भर लो क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना। जब तुम्हारी बीवी बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन की ससुराल से क्या लेकर के आए हो तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से बेटा तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। रोहन इस प्रकार से जब बूढ़ी माँ की इन बातों को सुनता है तो बात मान कर के रोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुँच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रोहन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद रोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। तब बूढ़ी माँ रोहन से कहती है, हे पुत्र जाते जाते तुम मेरी इन 8 बातों को सुनते जाओ यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माँ रोहन को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर के रोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहन फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर अपने घर पहुँचता है तो रोहन के छोटे छोटे बच्चे और रोहन की पत्नी रोहन के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी तुम बुआ के घर से आ रहे हो आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह सुनकर रोहन अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा देता है और थैला देने के बाद रोहन घर से बाहर निकलकर चला जाता है। उधर रोहन के जाने के बाद में रोहन की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तब थैले के अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला थैले में देखती है कि वो थैला पूरा सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहन की पत्नी अनार को फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। जब आम के फल काटती है तो आम की गुठलियों की जगह सोने की गुठली निकलती है। यह देखकर के रोहन की पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दौड़कर अपने पति के पास में पहुँचती है और अपने पति के पास पहुँच करके अपने पति से कहती है कि तुम
तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बात पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब रोहन अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय बहन, ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है कि पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति को पकड़ कर ले जाती है और अपने पति से कहती है, से जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला रोहन के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोने चांदी निकलते हैं। सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारी भाग्य ही बदल दिया, उन्होंने फलों में छुपा करके हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा रोहन देखता है तो समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वह कोई साधारण माँ नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में रोहन अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ को धन्यवाद देता है। दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में नीलकंठ थोड़ा सा आराम करता है, फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन को बहुत सारा धन मिल जाता है। रोहन पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है। कुछ समय बाद रोहन अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छे से आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है और सभी नगर के लोग भी रोहन को ऐसा देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब रोहन का महल तैयार हो जाता है और जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि आज सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती है, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को अपने घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वो अपने पीहर घूम लेंगी और इसी बहाने से मैं भी अपने ननद से मिल लूंगी। रोहन जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो रोहन अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार रोहन फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वो कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर कमला की जिठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देख कर के दौड़ी दौड़ी कमला के पास में जाती है और कमला से कहती है कि हे कमला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जिठानी के मुख से इन बातों को सुनकर कमला कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई नहीं है। दरअसल कमला ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि कमला इस बार भी अपने भाई को भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जिठानी बताती है कि कमला, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं राजा महाराजाओं की तरह आया है, तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे चार चार सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। कमला जब अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही कमला ने अपने भाई के उस रूप को निहारा तो अपने भाई के ठाट बाट को देख करके कमला एकदम चकित रह गई। सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो रोहन की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में कमला अपने भाई को बड़े आदर पूर्वक अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट
लानत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। अपने बहन के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहन कहने लगता है कि बहना कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ, अब तुम्हें मेरे साथ में मेरे घर चलना है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर के कमला खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के कमला अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीका से जब रोहन की बहन अपने पीहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और उधर रोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है, 7 दिनों तक अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। रोहन की घरवाली सुशीला को लगता था कि यह सब शान शौकत हमारी ननद की वजह से हुआ है, अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं, क्योंकि दर्शकों रोहन ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कमला की वजह से नहीं देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। रोहन की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच करके सुशीला अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब रोहन की बहन कमला का ससुराल जाने का समय होता है तो रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि पियाजी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहन घर से चला जाता है और रोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब रोहन कहता है, हे मोची भाई, मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन ऐसी जूतियाँ बनाओ कि जब भी मेरी बहन पहने और उन्हें पहनकर चले तो वे जूतियाँ बारी बारी से इन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को ज्ञान की इन 8 बातें बताता है जो बातें बूढ़ी माँ ने रोहन को चलते समय बताई थी। रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब ज्ञान की बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस प्रकार से रोहन बारी बारी से वे बातें मोची को सुनाता है। पहली बात बताता है कि बात ज्ञान की है, कहीं मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मोल। दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम बदले नहीं उसका कभी नसीब, आलस कर रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे, कहत स्वयं को दीन। चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर। अब आप दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटो करो गरीबी दूर। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता वह मानव रहे गरीब। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी वार, विजय होता युद्ध में, ज्ञान सदा हथियार। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए रोहन कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोले कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना दो, जब यह 8 बातें वो जूतियां बोलेगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जुड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियां बनवाता है और उन जूतियां को ले जाकर अपनी बहन को उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियां को पाकर के कमला का चेहरा एकदम खिल जाता है।
उसके बाद कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर कमला जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो कमला की देवरानी जेठानी पूछने लगती है, हे कमला, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब कमला अपनी देवरानी जेठानी, अपने सास ससुर और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है। वह जूतियां दिखाती है और कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूतियां दी है। तब कमला जूतियां को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों को पहन करके चलती है तो जूतियां बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए करीब। जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब देवरानी जेठानी पूछती है कि कमला आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तो कमला अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था, मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी तक की नहीं पूछी, देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियां बनवा कर दी है, अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती है, इसलिए मेरी बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीका से कमला की जेठानी कमला को 8 बातें बताती है कि हे कमला, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, उनकी इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। चौथी बात, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफजूल कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठकर चली जाती है। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी विदा ले जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी गरीबी का सामना करना पड़ता है, उन्हें गरीबी देखनी पड़ती है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमान का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इस प्रकार से कमला की जेठानी कमला के लिए ये 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों को हमेशा गांठ में बांध कर रखना। दर्शकों, इधर नीलकंठ कहता है, इस प्रकार रोहन की बहन कमला एकदम से बदल जाती है, उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, ईश्वर ना जाने कब किसको गरीब बना दे और कब किसको अमीर बना दे, यह बात किसी को पता नहीं। उसके समझ में यह भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी भी किसी का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। दर्शकों, यदि बात सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।